बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि अभी एग्ज़ाम बहुत दिन टाइम है, ठीक है, जैसे कि 1 साल 6 महीना 7 महीना 8 महीना, इस तरह आप लोग अपने मन में सोच लेते हैं ना कि एग्ज़ाम अभी बहुत दूर है, सामने है नहीं, अभी साल भर का टाइम है, हम लोग बहुत पढ़ लेंगे और पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह होता नहीं है, क्योंकि आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि साल भर या फिर 1 महीना या फिर 6 महीना आप इसी तरह सोचते रहते हैं कि अभी साल भर है, चलो कोई बात नहीं, मौज मस्ती करते हैं, बाद में तो पढ़ेंगे, अभी साल भर एग्ज़ाम का है, ठीक है। आपका टाइम बीतते जाता है, फिर बचता 6 महीना, फिर आप यही बात सोचते हैं ना कि अभी भी एग्ज़ाम में बहुत टाइम है, 6 महीना टाइम है तो बहुत दिन है, ठीक। फिर आप सोचते चलिए 6 महीना भी आपका इसी तरह बीतते जाता है, फिर 3 महीना, जब आपका एग्ज़ाम में 1 महीना बचता है ना, तब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। क्यों नहीं कुछ होता है? क्योंकि अब एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आप गौर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं कि अब एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसी सब कुछ को रोज़ रोज़ कीजिएगा तो ज़रूर कुछ एक दिन में पूरा नहीं हुआ, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, फिर कुछ ना कुछ होगा, फिर कुछ ना कुछ होगा, इस तरह आप कुछ कुछ करते हुए एक दिन सब कुछ कर लीजिएगा। समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कि आप क्या सोचते हैं ना कि अभी एग्ज़ाम का 1 साल है, कोई बात नहीं, अभी मस्ती चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर इसी तरह आपका 6 महीना 3 महीना 4 महीना 2 महीना, जब 1 महीना में आता है उसके बाद आपका माइंड सॉफ्ट हो जाता है और आप मेहनत करने का स्टार्ट करते हैं, और उस वक्त आपसे कुछ हो नहीं पाता है, ठीक। बहुत सारे स्टूडेंट तो यहाँ तक सोच लेते हैं कि अभी भी मेरे पास टाइम है, 15 दिन, फिर 1 सप्ताह तक का भी इंतज़ार कर लेते हैं, फिर जब 3 दिन एग्ज़ाम कराता है उसके बाद वो बहुत मेहनत करने लगते हैं। तो हम आपको पहले बोले थे कि आप सब कुछ एक दिन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे यदि उसी सब कुछ को कुछ कुछ कीजिएगा ना, तो पूरा आपका सब कुछ एक दिन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो यही बात होता है स्टूडेंट्स कि आप लोग ये कभी नहीं सोचिए कि अभी मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। टाइम हमेशा सोचिए कि बहुत कम है। आप एक दिन देखिए कैसे निकल जाता है, 1 घंटा कैसे निकल जाता है, मौज मस्ती में निकलता है ना। अब सोचिए टाइम मेरे पास कम है, और अभी से ही आप कुछ 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 पढ़ते रहिए, एक दिन आपका सारा चीज़ कम्प्लीट हो जाएगा। और जिस दिन आपका सारा चीज़ कम्प्लीट हो जाएगा, उस दिन आप ज़रूर स्टेट टॉप या फिर डिस्ट्रिक्ट टॉप या जो भी आप सोचे होंगे तो वो ज़रूर कम्प्लीट होगा, ठीक है। तो आपको मेहनत करते रहना है डेली। हम ये नहीं बोलते कि एक ही दिन में आप पूरा पढ़ लीजिए, 12 घंटा 15 घंटा पढ़ रहे हैं, डेली इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप डेली आप एकदम रूटीन बना दीजिए, नहीं हमको डेली 6 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। आप यदि रेगुलर इस चीज़ को मेंटेन कर लेते हैं और डेली आप 6 घंटा पढ़ते हैं, तो आपका इसी में आप अच्छा नंबर ले आइएगा और अच्छा कर जाइएगा। तो आपको यदि मेरा बात समझ में आया होगा तो आप इस बात को फॉलो कीजिए और डेली कुछ कुछ पढ़िए, ठीक है। एक ही दिन में आपको पूरा एक्सरसाइज पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना, कुछ कुछ करके डेली पढ़िए, इसी में आपका सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा, और जो इस टाइप का आपका जो भी फ्रेंड होगा, दोस्त होगा, भाई बहन जो इस टाइप का सोचता होगा, तो उसके पास ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो से उसको कुछ ना कुछ सीख मिले और आगे वो अपना रास्ता क्लियर रखे और अपना माइंड से ये जो डस्ट है ना उसको हटा दे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।